आया, ब्रह्मदेव से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की लीला आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे बढ़ाने वाले थे तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवाधिदेव महादेव के लिए, संशय उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु भगवान नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका पुत्र हूं, पर हे नारायण आपके पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव है, शंकर। शिव महापुराण में लिखा है, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, शंकर भगवान ने अपनी जंगा और हस्त कमल पर अमृत का छींटा दिया था। जब देवता अमृत भाग लेकर आए थे तो वो अमृत का छींटा दिया, और ये अमृत कोई एक बार प्रकट नहीं हुआ है, ये अमृत कई बार प्रकट हुआ। उस अमृत के छींटे से उतार कर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, वो भगवान विष्णु थे, ये शिव महापुराण में लिखा है। भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर जल का सिंचन करा था, चारों तरफ जल जल कर दिया था, उस पर आयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया, ये शिव महापुराण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर, भगवान शिव आपके पिता शंकर। हाँ शिव कैसे हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये सामने पर्वत है, अपन इसको घुमाते हैं, प्रकट करते हैं शंकर भगवान को। दोनों ने मिलकर जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, उसमें से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। जैसे ही लिंगायत आकृति प्रकट हुई भगवान शंकर के सामने, जैसे ही भगवान विष्णु के सामने लिंग प्रकट हुआ, लिंग प्रकट होते से ही भगवान शंकर ने कह दिया नारायण मैं सामने प्रकट हो गया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने मांगने के लिए आपको प्रकट नहीं करा, मैंने तो केवल आपको नमन करने के लिए ब्रह्मा जी को आपका स्वरूप दिखाना था कि मेरा पिता कैसा है, उसको बताना था, इसलिए प्रकट किया। अच्छा हाँ, मैंने आपको इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है? जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हो उसका चरण कहाँ पर है, ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहाँ पर है, ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का सिर कहाँ पर है, पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहां है, इनका चरण कहां है, भगवान शंकर का स्वरूप कहां है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले आप बताओ क्या करना है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं जाता हूं शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर, पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहां है और सिर कहां है। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूं चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पाताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए, शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला, अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया, उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बटन लगाते ना लोग बा, अब हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़ है तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़ है तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ, राम नाम जम के तो बोलो।
राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए।